पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, जिन सज्जन के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार आप उन्हें देख लें। ये दास्तां है एक बड़े ही निराले अभिनेता की, एक ऐसा अभिनेता जिसने काम तो खूब किया लेकिन इसके बारे में आज के दौर में बातें होती हैं जरा कम। इनका नाम कन्हैयालाल चतुर्वेदी। आप मुझे नहीं जानते? जी नहीं, कोई बात नहीं, जान जाएंगे। इनके जन्म के बारे में बताया जाता है कि इनकी पैदाइश रही वाराणसी की, साल रहा सन 1910। इनके पिताजी पंडित भैरोदत्त चौबे, जो कि चौबे जी के नाम से बड़े मशहूर थे, दरअसल सनातन धर्म नाटक समाज जो कि वाराणसी में काम करता था उसके मालिक थे, और इनके पिताजी कतई नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कन्हैयालाल नाटकों में काम करे। जी शक तो मुझे भी हुआ था। धीरे धीरे कन्हैयालाल अपने पिता की मुखालफत के बावजूद दूसरे थिएटर ट्रूप्स के लिए काम करने लगे। इनकी उम्र तब तकरीबन 16 बरस की रही होगी जब इन्होंने छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए और लेखन का काम भी शुरू कर दिया। करने कराने वाला भगवान है सरकार, मैं तो केवल बहाना। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके भाइयों के साथ इन्होंने मिलकर ड्रामा कंपनी चलाने की कोशिश करी लेकिन बात ना बनी, और तब कन्हैयालाल ने मुंबई की तरफ रुख करने का फैसला किया। इनके बड़े भाई संकटा प्रसाद चतुर्वेदी पहले ही मूक फिल्मों में अपनी एक जगह बना चुके थे, लेकिन जब कन्हैयालाल मुंबई की तरफ आए तब इनके मन में अभिनय की इच्छा ना थी, ये सिर्फ लिखना चाहते थे या फिर फिल्में डायरेक्ट करना चाहते थे। मैं सच कह रहा हूँ। पर जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। इन्होंने सागर मूवी टोन की फिल्म सागर का शेर में बतौर एक्स्ट्रा काम किया। फिक्र न करो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, तुम घबराओ नहीं। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि उस जमाने के सुपरस्टार मोतीलाल के पिता का किरदार निभाने के लिए एक एक्टर को चुना गया, पर किसी वजह से वो शूटिंग में ना पहुंच पाया, और तब इत्तफाकन कन्हैयालाल जी से कहा गया कि आप ही मोतीलाल जी के पिता का किरदार निभाएं। आहा, क्यों नहीं, कहने भर की देर है, वो तो सर के बल चले आएंगे। एक लंबा चौड़ा डायलॉग था और इन्होंने उसे बखूबी निभाया। फिल्म का नाम था झूल बदन, जिसे के एम मुंशी ने लिखा था और सर्वोत्तम बादामी ने इसे डायरेक्ट किया था। तस्वीर बनाना बुरा नहीं है बेटी, खुद बनना बुरा है। जिस तरह मैं तुझे गलत नहीं समझता उसी तरह तू भी मुझे गलत नहीं समझना। मुझे अपनी खुशी से तेरी खुशी का ख्याल ज्यादा है बेटी। इस तरह से इनकी तनख्वाह में 10 रुपए का इजाफा हुआ और इन्हें 45 रुपए महीना मिलने लगा, और साथ ही अब ये पिता का किरदार नहीं निभा रहे थे सिर्फ, आने वाली फिल्मों में ये बतौर दादाजी भी नजर आने लगे। शेर सिंह ये अधूरी मार है, मैं पूरी करूंगा, मैं ठीक करूंगा इसे। लेकिन चूंकि इन्हें फिल्में डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था इसलिए इनका दिल बड़ा उदास हुआ। कुछ वक्त के लिए ये वापस वाराणसी चले गए। जब ये लौटकर मुंबई आए तब ऐसी बातें हुई कि सागर मूवी टोन के ओनर चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई की ये मदद किया करेंगे। इन्होंने फिल्म संस्कार के डायलॉग्स पुनः लिखे। अब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो बात फोन पर नहीं हो सकती है। फोन पर नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन महबूब खान की फिल्म औरत, उसमें इन्होंने सुखी लाला का किरदार निभाया था, एक बहुत ही तेज तर्रार सूदखोर लाला। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान कन्हैयालाल जी को गहरी चोट लगी थी, लेकिन इन्होंने महबूब खान साहब से कहा कि अभी डॉक्टर को नाम बुलवाएं, मैं पहले अपनी शूटिंग मुकम्मल करूंगा, उसके बाद डॉक्टर देखा जाएगा। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर। कुछ सालों के बाद महबूब खान साहब ने फिल्म औरत का रीमेक बनाया और वो फिल्म रही मदर इंडिया। इसमें एक बार फिर कन्हैयालाल साहब ने तकरीबन 17 बरस के बाद सुखी लाला का किरदार ही निभाया। ये फिल्म बड़ी मकबूल हुई, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और नरगिस के अभिनय की बहुत तारीफ हुई, लेकिन विलेन सुखी लाला भी सभी को याद रहे। ये चोर मुझे बदनाम करने के लिए आगरे से बंबई आया था, इस साले को मेरा साला मत समझो, बुलाओ पुलिस को, कर दो इसे पुलिस के हवाले। कन्हैयालाल साहब ने बड़ी फिल्मों में काम किया, उपकार, राम और श्याम, जीवन मृत्यु, अपना देश, कर्म योगी, हम 5 वगैरह वगैरह। ये बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट बड़े मशहूर हुए। बैठिए बैठिए श्यामलाल जी, तुम इन्हें जानती नहीं शांता, श्यामलाल जी अपने शहर के बहुत बड़े रईस हैं। 14 अगस्त सन 1982 में इनकी मृत्यु हो गई, तब इनकी उम्र मात्र 72 साल की थी। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये वो अभिनेता हैं जो आज भी बहुत से अभिनय प्रेमियों के मार्गदर्शक माने जाएंगे। तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।